मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेक्टिव नाउंस, ऑफ नाउंस। मतलब ये एक नाउन की पार्ट है नाउन के बहुत सारे काइंड होते हैं, एबस्ट्रिक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एंड दिस कलेक्टिव नाउन इज अ पार्ट ऑफ वन नाउन सो आज हम इस कलेक्टिव नाउन को डिस्कस करेंगे सो वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो वीडियो गेट स्टार्ट एट फास्ट थिंग एग्जाम्पल क्राउड आर्मी कॉमेटी फ्लॉक बंस सो ये जो कलेक्टिव नाउन्स है ये इसका मतलब है की कोई ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स दिस कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या तो कोई पीपल का ग्रुप होगा या तो एनिमल्स का या तो किसी चीज का ठीक है एग्जाम्पल हम क्राउड का यूज करते हैं आर्मी का यूज करते हैं कमेटी फ्लॉक बाउंस एक्सेट्रा का हम यूज करते हैं ऑफटेन ए सर्टेन वर्ड कलेक्टिव नाउन इज यूज विथ सर्टेन ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग फॉर वी से ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन अगर हम किसी म्यूजिशियन की बात करें एक ग्रुप्स की बात करे राइट सो अगर बहुत सारी म्यूजिशियन है एंड देन हम उसी की बात करें दैट मीन हम उसके पहले बैंड का यूज करेंगे जैसे कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन ठीक है बहुत सारे जार्स होते हैं ना हम बोलेंगे ए बेंच ऑफ जर्ज जैसे कि बहुत बार ऐसे होते हैं ना हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम कभी कभी लेट हो जाती है एंड हम बोलते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ था इसलिए लेट हो गया लेकिन यही वर्ड यही सेंटेंस पर हम इंग्लिश में बोला से तो हम नहीं बोल पाते हम क्या बोलते दे आर आर मेनी पीपल्स इन द रोड एंड इट वाज जाम दैट्स व्हाई बट इट इज नॉट जाम ओके देन वी विल से क्राउड देयर आर आर क्राउड ऑफ पीपल okay there are a crowd of people in the road that's why i came late like this way you can say your fluent english okay so these are the things you should learn you have to learn this thing because see if cows are there so many cows sometimes it's come from road or so many cows is there then you can use herd a herd of cows a clump of trees a set of tools a flat of ships buses cars any travelling things if travelling devices are there it may be any kind of car taxis when then we will use fleet ships fleet but if any kind of animals name is there then we will use heart. these are things we should know and this much only in today's video i hope the video is very helpful for you all so bye bye and thanks for watching